आस है वो अपने बहू के खिलाफ में क्या कार्रवाई कर सकती है। वीडियो बहुत काम आने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसमें हम बताएंगे कि जो काउंटर जो है ना कैसे करना है आपको, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रामदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। आज हम बात करेंगे कि जो सास है वो अपने बहू के खिलाफ में क्या कार्रवाई कर सकती है। वीडियो बहुत काम आने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसमें हम बताएंगे कि जो काउंटर जो है ना कैसे करना है आपको, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। जैसा कि आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसके सेक्शन 2U में जो महिला शब्द था उसको हटा के अब व्यस्क कर दिया गया है, अडल्ट कर दिया गया है। और इसमें जो पत्नियां हैं वो क्या करती हैं कि अपने सास, नंद, देवर, पति सबको घरेलू हिंसा में आरोपित कर देती हैं और इसमें रिलीफ मांगती है। रिलीफ कौन से सेक्शन में होता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है धारा 12 के तहत में जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 22 और धारा 23 के तहत में ये रिलीफ मांगे जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 28 के तहत में धारा 12, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 22, धारा 23 की जो कार्रवाई है वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट पे चलेगी, यानी सीआरपीसी पे चलेगी। यानी कि इसमें जो रिलीफ मांगे गए हैं वो धनी अनतोष मांगे गए हैं, ये सिविल नेचर के रिलीफ मांगे गए हैं, लेकिन इसकी जो कार्रवाइयां हैं वो सीआरपीसी के आधार पे चलेगी, क्योंकि तुरंत न्याय देना है, तुरंत आदेश पारित करना है, तुरंत संरक्षण देना है, इसलिए सीआरपीसी प्रोसीडिंग इसमें लागू करेगी। अब आपके खिलाफ में अगर कोई आदेश, सॉरी, आपके खिलाफ में अगर कोई दावा दाखिल कर दिया जाता है जिसमें आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, यानी कि आपकी पत्नी द्वारा जो दावा पेश किया जा रहा है उसमें सास को, नंद को, देवर को, जेठ को, ससुर को, मतलब घर में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को सबको पार्टी बना देना। लेकिन दबाव बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? दबाव बनाने के लिए ये लोग जो दूर दराज जो शादियां हो चुकी हैं जिन नंदों की, उन नंदोइयों को भी पार्टी बना दे, ताकि कि इनका इंटेंशन रहता है कि जब हम केस के पिसबंदी में जब हम फंसा देंगे तो सामने वाला जो है ना वो घर में कलेश करेगा, जो पति की जो बहन है उसको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके का इंटेंशन बहुत रहता है, एक दबाव क्रिएट करने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसमें नाम इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में आप किस तरीके से काउंटर ब्लास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत में जो आवेदन दिया जाता है ये एक प्रार्थना पत्र है, ये कोई कंप्लेंट केस नहीं है। अब कंप्लेंट केस कैसे नहीं है? क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन जो 2D है उसमें कंप्लेंट को डिफाइंड किया गया और कंप्लेंट के अंदर में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, तो ये एक सिंपल एक प्रार्थना पत्र है। सीआरपीसी 190 सब सेक्शन 1 के तहत में ये प्रार्थना पत्र है, तो मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कॉग्निजेंस लेता है उसको। ये प्रार्थना पत्र है, ये कंप्लेंट नहीं है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे मामलों में देखे कि जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जब मामला कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है उस दावे पे लिख देता है रजिस्टर्ड एज ए कंप्लेंट केस। ये कंप्लेंट केस नहीं है, अगर ये कंप्लेंट केस होता तो आपको सीआरपीसी 200 और सीआरपीसी 202 के तहत में इन प्रोविजन को अपनाना पड़ता। ये
एक प्रार्थना पत्र है और प्रार्थना पत्र में ये सारे रिलीफ मांगे गए हैं। जब भी अदालत इस प्रार्थना पत्र को इंटरटेन करती है तो सम्मन को भेजने से पहले उसको डीपीओ रिपोर्ट देखना होता है। जैसा कि सेक्शन 12 में स्पष्ट कहा गया है कि डीपीओ रिपोर्ट जब आ जाएगी, डीपीओ रिपोर्ट को देखने के बाद ही जो आरोपी पक्ष है यानी पति पक्ष है उसको नोटिस जारी किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे क्या अदालतें क्या करती हैं कि एक तरफ डीपीओ रिपोर्ट तलब कर लेती है और दूसरी तरफ सम्मन जारी कर देती है। डेट इज इलीगल प्रोसेस है ये पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेस है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 13A का साफ तरीके से वॉयलेशन करता है। चलिए ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है कि बहू सास जो है ना वो बहू के खिलाफ में कार्रवाई कैसे कर सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आपकी पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस या 498A का केस या फिर डाइवोर्स या फिर सीआरपीसी 125 का केस अगर आपके खिलाफ में फाइल करती है तो आप उसमें एक चीज नोटिस करना कि जब भी अपनी सास को, अपनी नंद को, अपनी जिठानी को या अपने ससुर को या पति को जब उसमें इन्वॉल्व करती है ना तो वो प्रार्थना पत्र में लिखती है कि सास ने मुझे मारा पीटा। इन लोगों ने मतलब सबके आरोप लगाती है, एक कहानी लिखती है पूरी तरीके से। घर से निकाल दिया, सास कहती थी मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करूंगी, सास कहती थी मुझे दहेज लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, फलाना ढिकाना, 50 तरीके की ये कहानी लगभग सबकी सेम होती है। अब मारपीट करने का जो आरोप लगाया है ये सारी कहानी जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है इसमें जब आपकी पत्नी ने इस तरीके का आरोप लगा दिया है, अब आपको ऐसे कैसे बचना है। अब ये आरोप लगाने के बाद में अब वो रिलीफ मांग रही है, क्योंकि रिलीफ उसको कैसे, जैसे वो प्रार्थना पत्र दाखिल करती है उसके सम्मन जारी हो जाते हैं। सम्मन जारी होने के बाद में क्या होता है कि वो इंटरिम एप्लीकेशन लगा देती है। जब वो इंटरिम एप्लीकेशन जब लगाती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 23 के तहत में, तो वो सिर्फ ये लिखती है कि साहब अंतरिम भत्ता मुझे दिलाया जाए, लेकिन उस प्रार्थना पत्र में, उस एफिडेविट में ये नहीं लिखा जाता है कि हमें किस सेक्शन के अंतर्गत हमें अंतरिम राहत दिलाई जाए। आप मेरी बात समझना, आप अगर आपके केस में अगर इंटरिम के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर मूव किया गया है, एफिडेविट अगर कोई मूव किया गया है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 23 के तहत में साफ एक प्रोविजन दिया गया है कि आप रिलीफ मांग सकते हैं। सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, 21, 22, 23, इनके तहत में मांग सकते हैं, आप बिल्कुल मांग सकते हैं। लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा 23 के एफिडेविट में कि आप किस सेक्शन के तहत में रिलीफ मांग रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सेक्शन 23 के तहत में अगर आपने मूव कर दिया तो आप केवल धनी अंतोष ही मांग रहे हैं। तो धनी अंतोष आप धारा 20 और धारा 22 में कहा गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि क्षतिपूर्ति, खर्चा पानी के लिए, दवाइयों के लिए, महीने के हिसाब से, तो उसमें उसको मेंशन करना चाहिए। जब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 23 के तहत में जब कोई इंटरिम राहत जब लेती है महिला, तो वो ये नहीं लिखती है उसमें कि साहब इस धारा के अंतर्गत हमें अंतर्लिप चाहिए। समझ रहे बात को, जो उसने मूल दावा जो पेश किया है, जो प्रार्थना पत्र उसने पेश किया है, उसमें वो लिख के चल रही है कि साहब सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 23 के तहत में हमें इंटरिम रिलीफ। हालांकि 23 सेक्शन जो है ना वो नहीं लगाते, वो इंटरिम के टाइम पे एफिडेविट लगाते हैं, लेकिन इंटरिम का एफिडेविट जब लगाया जाता है तो उसमें ये लिखा जाना चाहिए कि किस सेक्शन के तहत में आप ये इंटरिम रिलीफ मांग रहे हैं, कौन सा रिलीफ मांग रहे हैं। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि धनी अनतोष मांगा गया है। अब धनी अनतोष कैसे, सेक्शन 22 के तहत में तो क्षतिपूर्ति है, जो मानसिक क्षति हुई है, घरेलू हिंसा कारित हुई है, तो क्षतिपूर्ति के लिए तो वो अभी ऐसे डिसाइड हो नहीं सकता क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा है। सेक्शन 20 में अभी ऐसे डिसाइड हो नहीं सकता है क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि अंतरिम राहत। अंतरिम राहत कैसे, सेक्शन 17 के तहत में, जैसे कि वो बोलती है कि सेक्शन 18 के तहत में प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, सेक्शन 19 के तहत में घर
घर में रहने के लिए, और सेक्शन 17 में साझी गृहस्थी में अपनी पहुंच बनाने के लिए, तो उसको ये मेंशन करना पड़ेगा जब इंटरिम का एप्लीकेशन लगाएगी, तो उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किस सेक्शन के तहत में आप रिलीफ चाहते हैं या सारे सेक्शनों के तहत में रिलीफ चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता, सिर्फ प्रार्थना पत्र में इतना लिख दिया जाता है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत में आ गई, जो कि गलत है। यहां ये मेंशन करना चाहिए कि किस सेक्शन के तहत में आपको क्या रिलीफ चाहिए। तो ये हो गया एक पॉइंट, तो ये आप पकड़ो इस बात को, आप इसमें ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि धनी अंतोष जो है ना, क्षतिपूर्ति जो है अभी डिसाइड नहीं हुई है, जब तक डिसाइड नहीं हो सकती है तब तक दिलाया जाना मुश्किल है। या खोले वो सेक्शन को, खोले कि अंतरिम राहत जो है ना किस सेक्शन के तहत में चाहती है, जो आपने मूल प्रार्थना पत्र में जो सेक्शन में जो राहत मांगी है वो किस सेक्शन के तहत चाहती है, पहली चीज। दूसरा, काउंटर कैसे करना है। अब उसने अपनी सास के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अपनी नंद के खिलाफ आरोप लगा दिया, मारपीट का आरोप लगा दिया, सारे आरोप। तो मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो सामने वाला भी थप्पड़ मारता है। दैट मींस कि उसने ये दिखा दिया उसने कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई। अब ये घरेलू हिंसा में जब पति की माँ का नाम, यानी कि उस महिला ने अपनी सास का नाम इन्वॉल्व कर दिया या अपनी नंद का नाम इन्वॉल्व कर दिया, तो घरेलू हिंसा तो ससुराल में उसके साथ भी हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 का मुकदमा जो है ना, उस वो पति की माँ लगा सकती है, बहन लगा सकती है, भाभी लगा सकती है, कोई भी लगा सकती है। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि इसकी जो ड्राफ्टिंग रहेगी ना वो थोड़ी सी ट्रिकी रहेगी, क्योंकि जब कोई पत्नी जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 का मुकदमा लगाती है, तो वो ये कहती है कि सब सेक्शन 17 के तहत में जो साझी गृहस्थी में हम जा रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जहां हम रहे हैं, उस गृहस्थी तक पहुंच बनाने का आदेश दिया जाए। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन आदेश ले दिया है कि साहब हमारा बचाव, मैं घर में वहां पे जाऊं तो मेरा बचाव किया जाए, पुलिस का संरक्षण मुझे मिले। सेक्शन 19 में रहने का अधिकार मांगती है। सेक्शन 20 में जो उसकी दवाई, उसका खर्चा, ये सब फलाना ढिकाना महीने के आधार पे या हफ्ते के आधार पे या सालाना के आधार पे जैसा भी हो वो उसमें अपना क्लेम कर सकती है। सेक्शन 22 के तहत में जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, आर्थिक प्रताड़ना हुई है, शारीरिक प्रताड़ना हुई है, उसके संबंध में वो अपनी क्षतिपूर्ति। अब सास कैसे कर सकती है, सास अगर चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत में पत्नी, पत्नी के परिवार वाले, जैसे कि उसके पत्नी के माँ बाप भाई बहन, इनके खिलाफ कर सकती है वो, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट 7D के तहत में कहा गया है कि ये लोग जो हैं, पत्नी के जो परिवार वाले हैं, ये भी आया जाया करते हैं। जैसा कि वो पत्नी जो है अपने दावे में लिखती है कि मेरे पिताजी गए, मेरे भाई गए, मेरी माँ गई, मुझे लेवा लाई, मेरे माताजी ने बहुत समझाया, मेरे पिताजी ने बहुत समझाया, तो ये सब जो है ना एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। तो फैमिली कोर्ट एक्ट 7D के तहत में ना ये घरेलू संबंधों में ये सारे लोग आते हैं, तो आप भी इसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस क्या होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, ये एक अलग पार्ट है। हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, कि सास बहू के खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे लगा सकती है, कैसे कार्रवाई कर सकती है। अब जैसे कि बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया सेक्शन 12 के तहत में, साझा गृहस्थी में रहने का, साझा गृहस्थी में अपनी पहुंच बनाने का अधिकार बनाया, उसने कहा कि साहब हमें रिलीफ दिया जाए कि साझा गृहस्थी जो है, जिस घर में हम शादी होके गए हैं, जिस घर में हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं, उस गृहस्थी तक हमारी पहुंच बनाने का आदेश हमें दिया जाए। ऐसे ही सास सेक्शन 17 के तहत में कह सकती है कि साहब जो हमारे घर में हमारे साथ में घरेलू हिंसा हुई है और इसने जो मुकदमा फाइल किए हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम इस घर में रहे हैं और मेरे साथ मारपीट हुई है, सही, और घरेलू हिंसा पहले हुई हो या हो रही हो या वर्तमान में हो रही हो, ये सारी चीजें उसमें कवर होती है। तो जैसे बहू ने अपने डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 17 में अगर ये मांगा है कि साझी गृहस्थी में पहुंच बनाने का अधिकार हमें दिया जाए,
तो ऐसे ही सास जो है ना सेक्शन 17 के तहत में आदेश मांग सकती है न्यायालय से कि साहब जो मेरी साझा गृहस्थी जो रही है उसमें पहुंच बनाने से मेरी बहू को रोका जाए, क्योंकि मामला जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, अगर ये मेरे घर पे आती है तो जाहिर सी बात ये कोई ना कोई हादसा कर सकती है, स्वयं के साथ हादसा कर सकती है, जान जोखिम में डाल सकती है और हमें फंसाने का प्रयास कर सकती है। इसी तरीके से सेक्शन 18 के तहत में अगर पत्नी अगर ये कहती है कि साहब मुझे पुलिस का संरक्षण दिया जाए, संरक्षण आदेश दिया जाए, प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए ताकि कि हम अपनी ससुराल में जाए, गृहस्थी में ही जाए। इसी तरीके से सास भी प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती है, साहब जो मेरी बहू है इसने मुकदमे फाइल किए हुए हैं, इसने मेरे साथ घरेलू हिंसा कारित कही थी, ये हमारे घर में रही है और साझा गृहस्थी में प्रवेश करने का अधिकार मांग रही है, हमें खतरा है कि ये हमारे घर में एंटर करे, इसलिए हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए, ये मेरे घर के अंदर ना घुस पाए। इसी तरीके से सेक्शन 19 में मतलब जस्ट बहू और सास का एडवर्स एक दूसरे का जस्ट उल्टा होना चाहिए। अगर वो रिलीफ घर में घुसने के लिए मांग रही है तो सास घर से बाहर निकालने के लिए मांग सकती है। ऐसे ही सेक्शन 20 के तहत, सेक्शन 20 के तहत में सास कह सकती है, रिलीफ मांग सकती है कि साहब ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, मेरे घर में साझा घर में मेरे साथ में रही है और मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, और मेरा जो बेटा है जो कमाई करता है उसका सारा पैसा जो है ना वो अदालतों में चला जाता है और घर के जो भी खर्चे होंगे उससे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इन मुकदमों की पेशबंदी की वजह से हमें आर्थिक सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमारी बहू है या इसके जो घर वाले हैं जिनको पार्टी बनाया जाएगा सास की तरफ से, उनसे धनी अंतोष मांग सकते, जो मानसिक क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, शारीरिक क्षति हुई है, उसके लिए सेक्शन 22 के तहत में सास भी अपनी क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अगर त्वरित न्याय अगर चाहिए, क्योंकि तो आपको लग रहा है कि कोर्ट में अगर टाइम लग सकता है तो आप इंटरिम का 23 का एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें साथ में उस सेक्शन का भी हवाला देना पड़ेगा जिस सेक्शन के तहत में आप रिलीफ मांग रहे हैं। तो लोहा लोहे को काटता है, अगर आप लोग सही तरीके से अगर ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है, और जिस कानून से वो आपको मारने की कोशिश कर रही है, अगर आपकी माँ को आपकी पत्नी अगर अदालत में लेके आ रही है तो जाहिर सी बात उसको भी पता कर चलना चाहिए कि आखिर में काउंटर क्या होता है। इस तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी आरोपी को सजा कराना, प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि न्यायालय के सामने सत्यता को लाना और एक फेयर ट्रायल जो है ना वो कंडक्ट कराना। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग अपने केस में डिफेंस के साथ साथ काउंटर जरूर करें। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हाल में ही मैंने एक केस में फैमिली कोर्ट एक्ट 7D के तहत में पति ने तलाक फाइल कर दिया था और तलाक जब फाइल किया था तो उसमें सारे सिम्टम्स लिखे थे, क्या क्या किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, नौबत तलाक तक पहुंच गई तो 7D के तहत मैं ना एक नोटिस मारा पत्नी को और पत्नी के घर वालों, जिसमें कि क्षतिपूर्ति की मांग करी कि साहब ये जो तलाक की जो नौबत आई है ना, जो मुझे तलाक दाखिल करना पड़ा है तो इनके बदौलत करना पड़ा, ये हमारे घरेलू संबंधों में रहे हैं, इन्होंने हमारे जीवन को तबाह कर दिया, इन्होंने जब अपनी लड़की की जब शादी की थी तो इन्होंने गुणवान लड़की बताई थी, घर की कामकाजी लड़की बताई थी, लेकिन शादी के बाद ये आती है अतिरिक्त दहेज का आरोप लगाती है, मुकदमेबाज महिला, इसने कई सारे मुकदमे लगा दिए, इतना प्रताड़ित हो गया हूं कि मुझे डाइवोर्स तक जाना पड़ा है। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं, कानून में सब कुछ है। आज एक भाई साहब आ रहे थे, ज्ञान दे रहे थे पुरुष आयोग,
मैं भी कहता हूँ पुरुष आयोग बने, लेकिन पुरुष आयोग में बैठेगा कौन? ये जो सड़क पे हल्ला मचा रहे हैं, पुरुष आयोग बनाओ पुरुष आयोग बनाओ, ये लोग बैठेंगे, इसी मानसिकता के लोग बैठेंगे, वही मानसिकता के लोग बैठेंगे जो आज महिला आयोग में बैठे हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए कानून नहीं है, लेकिन कल जब पुरुष आयोग बन गया ना, पर वही मानसिकता के लोग अगर उसमें बैठे जो महिला आयोग में बैठे हुए हैं, तो मालूम हम ये भी नहीं कर पाएंगे। सुनने वाला कौन है? क्या थाने में हम लोग शिकायत देने के लिए जाते हैं? क्या वहां पे कहीं लिखा हुआ है वो कोई आयोग तो नहीं है ना? वहां तो शिकायत सबकी जाती है, सबकी शिकायत रजिस्टर होती है, लेकिन जब एक पति शिकायत करने जाता है उसकी शिकायत रजिस्टर क्यों नहीं होती है? वहां पे तो सारे पुरुष ही होते हैं, महिला थाना अलग बना हुआ है, फिर भी शिकायत दर्ज नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एक लड़की का अगर दुपट्टा खिसक जाए ना, तो हम ही जैसे लोग जो है ना, जो शोर शराबा करते हैं, यही उसको सही बताने लगेंगे। लेकिन एक लड़का जो है वो सड़क पर पूरा नंगा खड़ा हो जाए ना, उसकी कहने वाला कोई नहीं है। इसलिए जिस लाठी से आपको मारा गया है ना, उसी लाठी से आपको अपना बचाव करना है, और बचाव के साथ साथ वो लाठी आपको इस तरीके से मारनी है कि सामने वाला सांप भी मर जाए और लाठी भी ना लगे। तो इसलिए खुद मेहनत करो, YouTube के चैनलों को खंगालने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट कचहरी है, ईट ईट पैसा मांगता है। आप मेहनत करेंगे, अपने अधिवक्ता से संपर्क करेंगे, आपके अधिवक्ता को इंटरेस्ट आएगा। वकीलों को गाली देने से कुछ नहीं हो जाएगा, वकीलों को गाली देने से, सड़क पे पानी पिलाने से, चिल्लाने से, वकील बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा, लॉस एटलीस्ट आपका ही होना है। इसलिए स्वयं मेहनत करो और अपने अधिवक्ता साथी हैं उनको बताओ, जब आप नई चीजें लेके आओगे ना, वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। अभी रात का 2 बज रहा है ना, मैं फिर भी अभी काम कर रहा था, किसके लिए? आपके लिए। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बचाना है, आपके परिवार को बचाना है, बट अदरवाइज कचहरी से वापस आने के बाद में ना, अपनी जिम्मेदारी वही अदालत में ही खत्म हो जाती है। तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है एडवोकेसी में, इसलिए स्वयं भी मेहनत करो और अपने परिवार को बचाओ, क्योंकि आपका परिवार इसमें फंसा हुआ है और बहुत लोगों की उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है। तो काउंटर करो, बहुत से ऐसे केस हैं जो आप फाइल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक मास्टर साहब की मदद की थी, सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाई थी, वकील साहब थे, बहुत सीनियर वकील साहब थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया अपना बस्ता की इटावा में आ जाओ, अपना बस्ता संभालो आ, और अचानक खबर आती है कि उनको साइलेंट अटैक आता है, वो खत्म हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे ना, वो मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मुझसे पूछते थे, और सीखना जहां भी ज्ञान मिले ना सीखो, लेकिन गलत ज्ञान ना सीखो, गलत ज्ञान आपको डैमेज कर देगा। सीखना बुरी बात नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका केस है, आप मेहनत करेंगे तो आपके वकील साहब को भी इंटरेस्ट आएगा, वरना गाली देने वाले तो भगवान को भी गाली देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप लोगों की कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपके जो कमेंट हैं उसके आधार पे हम वीडियो बनाएं और आप लोगों तक आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करें। बाकी का आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे, और ऐसे ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ करते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार चलो ठीक है वकील साहब जैसे कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, और हमें भी उम्मीद है, और शायद इसी उम्मीद की वजह से मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागता हूँ कि पता नहीं कौन सा ऐसा फोन कॉल आ जाए, हो सकता है पता नहीं किसको मेरी जरूरत पड़ जाए।
वरना तो अदालतों में बहुत बैठे हुए हैं।